हरि हर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना नारायण के भोलेनाथ की कल्पना नहीं की जा सकती और बिना भोलेनाथ के नारायण की कल्पना नहीं की जा सकती। हरि हैं तो हर हैं और हर हैं तो हरि हैं। महादेव की इस पावन नगरी काशी में यह दिव्य आयोजन हो रहा है और भोलेनाथ के त्रिशूल पर काशी विराजमान रहती है। तो इतना बड़ा काशी, वाराणसी काफी विस्तारित क्षेत्र है, तो इतना विशालतम क्षेत्र भगवान के त्रिशूल पर खड़ा है, तो कल्पना करो भोलेनाथ का त्रिशूल कितना बड़ा है। ऐसी दिव्य धरा पर कथा का आयोजन हो रहा है तो भोलेनाथ तो यहाँ कण कण में विराजमान है, फिर भी राम कथा के परम रसिक हैं, अपने आराध्य की कथा सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भोलेनाथ ने एक बार सोचा, हम तो कैलाश में विराजमान रहते हैं, कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि जहाँ जहाँ प्रभु की कथा हो वहाँ हम विराजमान रहें। तो अपने 11वें रुद्र के रूप में जब हनुमंत लाल जी बनकर के भोलेनाथ पधारे, तो जब राम जी साकेत धाम जाने लगे तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, सरकार आपको ही आपका साकेत धाम मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले, हनुमान तुम मेरे इतने परम भक्त हो कि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुनाथ जी के परम भक्तों में हनुमंत लाल जी अग्रगणी है। तो राम जी कहते, मेरे इतने परम प्रिय लाडले भक्त होने पर तुम मेरे साथ मेरे धाम नहीं चलोगे? ऐसा कौन होगा जो अपने प्रियतम के घर जाना नहीं चाहेगा? और हनुमान जी ने साफ मना कर दिया, आप जाओ, हम तो यही रहेंगे। बोले, ऐसा क्यों? बोले, इसलिए कि प्रभु आपके धाम में आप तो मिल जाएंगे पर आपकी कथा थोड़ी मिलती है। आपके तो 24 घंटे दर्शन होंगे साकेत धाम में, पर राम कथा कौन सुनाएगा? तो बोले, क्या तुम कथा के इतने प्रेमी हो कि मुझे त्याग दोगे? बोले, नहीं, आपसे तो और भी अधिक प्रेम है, तो फिर हमें क्यों छोड़ रहे हो? बोले, उसका कारण है, क्योंकि आप मिल गए तो साथ में कथा मिलेगी या नहीं मिलेगी इसमें शंका है, क्योंकि साकेत धाम में कथा वक्ता थोड़े होते हैं। कथा वक्ता संत जन ये सब तो यही विराजमान रहते इस धराधाम भारत भूमि पर। तो बोले, आप मिल जाओगे पर कथा मिलेगी कि नहीं इसमें हमें बहुत संदेह है, पर जहां कथा होगी वहां आप मिलोगे ये तो निश्चित है। जहां कथा वहां रघुनाथ विराजमान रहते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जब नारायण प्रभु प्रकट हुए गंगा के तट पर, तो सबके सब देवता ऋषि मुनि सब ने मिलकर के स्वयं नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु ऐसी कृपा करो कि जहां जहां आपकी कथा सुधा प्रकट हो वहां आप विराजमान हो जाओ। नगाह गाथा सुच सर्व भक्ते रेभिस्तया भाव्यमिति प्रयत्ना मनोरथोयं परिपूर्णीय सथेति चोक्तांतरधीयता अच्युता। अच्युत श्री हरि नारायण प्रभु सबको वरदान देकर के अंतर्धान हो गए कि जहां जहां कथा होगी वहां हम होंगे। इसलिए वाल्मीकि महाराज को भी लिखना पड़ा कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां रघुनाथ जी की कथा है वहां हनुमान जी विराजमान है, और जहां भक्त विराजमान है वहां तो भगवान को आना ही पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी ने साफ मना कर दिया कि आप साकेत धाम जाओ, हम तो इस धरा धाम पर ही विराजमान रहेंगे। ऐसी यह दिव्य कथा इस बनारस के काशी में प्रकट हो रही है।